और अभी लेयर टैप की फॉर्म में रखो, किस एक्सप्रेशन बना रहे हैं क्या करें टैप और उसके साथ
कर क्या रहे हैं शतरंज मोड़ रहे हैं मैं प्रॉब्लम हो गया हूँ बना रहे हैं अब दोबारा मैं बोल रहा हूँ ये गूगल मैंने बताइए इसको पासवर्ड बंद कर देते हैं टाइप के आपके लिए और वो बताएं क्या करना सर इसमें जो फिर एक्स्ट्रा स्पीकर दिए हैं उसमें से एक अगर इसी के ऊपर लगा दूँ लगा दें पासवर्ड चेंज करने से सबको पता चल जाएगा पासवर्ड सबको किसको मेरे को ये बैग में क्या करते हैं सर वैसे बता रहे फिर आप छोड़ो इतना बहुत अच्छा नहीं वैसे क्यों हाँ मैंने भी नहीं किया है वैसे आपको कह रही हूँ हमेशा आपने अच्छा किया है कल आप कर देंगे हमारी भी गिंगल आ गई है ओके कितना खुश हो जाते हैं तुम्हारी सोच हो गई इवन ये अब नो इंटरनेट नो वाईफाई इवन हैव चलिए इनका नाम चेंज करते हैं
English. Thank you.
बनाए नहीं है ना लेआउट, लेआउट अभी हमने बनाए नहीं है, लेआउट बनाएंगे तब ना। Thank you.
गैलरी ऊपर लगा चल जो रहा है मेरे किस चीज़ का मतलब से हमारे जो आई डी है ना आई डी में कोई इशू आ रहा है एक्टिविटी मेन में हमारे पास ये चीज़ें ड्राइव है उसके अंदर इंक्लूड किया है ऐप बार मेन में हमारे पास है साइड पर मैंने उठा दी तो
दिन हो गया। ट्राई कैश में लगाया शूट यहाँ पे आ रहा है, ट्राई कैश में लगाया स्पीय रही यहाँ पे आ रहा है। हमारे एरर भी सिस्टम डिजाइनिंग का ही था, बाकी हमने सारा ठीक कर लिया। डिजाइनिंग का ही हमारा एरर जी है। हमारे पास नेविगेशन मेन, नेविगेशन मेन में हमारे पास जो हमारे पास टूल बार है ना, उस बार की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐप बार लेआउट की जरूरत है, ऐप लेआउट कोई है नहीं हमारे पास, एक ही बना है हमारे पास। थोड़ा सा काम करना पड़ा लेकिन हो गया है। ऐसे होता है जो हमारी मेन एक्टिविटी है ना, ये जो हमने बनाई नेविगेशन, सिंपल नेविगेशन, इसमें सिर्फ एक काम की स्वैपिंग को मैंने कॉल कराया है।
और आपने यहाँ पर यहाँ पर ये वही मेथड है जैसे हम कॉल कराते हैं, इसमें कोई चेंजिंग की जो चेंजिंग किया जो मैंने न्यू बनाया ना वो ये बनाया, पहले मैंने बनाया नेविगेशन मेल सॉरी नेविगेशन कंटेंट, उसके अंदर मैंने व्यू पेज रखा, कैसे व्यू पेज रखा जैसे हमने यहाँ पर रखा है अपनी इसमें व्यू पेज जो स्वाइप कराना है जिसने मतलब जिसके अंदर पेजेस आना है सारे, उसको मैंने इसको मैंने कॉल कराया कहाँ पर नेविगेशन मेन, यहाँ पर मैंने उसका जो टूल बार को मैंने टूल बार की हमें ज़रूरत नहीं है, टूल बार हमारे पास ऐप का अपना पहले से ही ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास ये है कि ऐप बार बनाई उसके अंदर मैंने टैब लेआउट रखा जिसके अंदर टैब्स की वर्किंग थी, बस सिर्फ टैब लेआउट मैंने रखा कुछ भी नहीं रखा। उसके बाद क्या किया इसको मैंने कॉल कराया स्वैपिंग में, स्वैपिंग में वही काम के जो हमने कल किया टैब लेआउट वो हम एक्सटेंड करते थे एक्टिविटी के साथ यहाँ पे फ्रैगमेंट के साथ किए, तो टैब लेआउट व्यू पेजर होगी तीन चीज़ें मुझे चाहिए ठीक है। उसके अंदर व्यू पेजर कॉल कराया, सेटअप व्यू पेजर के अंदर मैंने पेजेस दिए और उनके ऊपर टेक्स्ट दिए ठीक है। उसके साथ टैब लेआउट के अंदर मैंने क्या किया टैब लेआउट के अंदर मैंने व्यू पेजर भी दे दिया और व्यू पेजर के अंदर मैंने अडॉप्टर दिया यहाँ पर माई पेजर अडॉप्टर, यहाँ से ये कैसे आ रहे हैं ये आ रहे हैं इस क्लास से माई पेजर अडॉप्टर से, माई पेजर अडॉप्टर ये मेरे पास क्लास है उसको मैंने एक्सटेंड किया पेजर अडॉप्टर से, फिर वही काम लिस्ट मैंने फिल कराई, टाइटल मैंने फिल कराया कहाँ से कराया यहाँ से कराया और ये कहाँ से आ रहे हैं ये आ रहे हैं इधर से आ रहे हैं, जो जो मैं यहाँ लिखूँगा वो ऐड होते जाएंगे यहाँ पर क्योंकि मेथड बना हुआ ना ऐड फ्रैगमेंट, ये सबसे पहले आते हैं ऐड में लिस्ट में फ्रैगमेंट चले जाते हैं, टाइटल में टाइटल चले जाते हैं, उसके बाद फ्रैगमेंट्स में ये फ्रैगमेंट्स सारे के सारे आ जाएंगे और टाइटल में सारे के सारे टाइटल आ जाएंगे और काउंटिंग करेगा कितने उसने वर्किंग करानी है, ये काम जो हमारा एरर था वो जस्ट हमारी डिज़ाइनिंग का था, एरर हमारी डिज़ाइनिंग का था, डिज़ाइन हम सही नहीं कर रहे थे उसके अंदर कॉल करा रहे थे इसी को ही कॉल करा रहे थे क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था, कॉपी पेस्ट में पहले वो आपको पता है कि यही मसले आते रहे दोबारा वही मसले आ रहे कि हमने कॉल सही नहीं करा रहे, कॉल जैसे सही कराया वो हमारा ऑटोमेटिक बाकी क्या बाकी क्या